प्रोफेसर बॉटनी गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन एलगी सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है रिप्रोडक्शन जो, जो, है जो है वो लिविंग बींग्स का एक फंडामेंटल फीचर है और ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट एज द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच New individual organisms, offspring are produced from their parents. Now we talk about types of reproduction in algae. There are three common methods of reproduction found in algae first is vegetative reproduction, second is asexual reproduction, and third is sexual reproduction. The very common method of reproduction in algae is vegetative reproduction. What is vegetative reproduction? द वेजिटिटी रिप्रोडक्शन इन एलगी इंक्लूड दोज मैथड ऑफ प्रोपिगेशन इन विच पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी बिकम सेपरेटिड ऑफ टू गिव राइस टू इंडिविजुअल यानी एलगी की प्लांट बॉडी जो है उनसे उसका कोई भाग जो है वो अलग हो जाता है और उस अलग हुए हुए भाग से नए इंडिविजुअल्स जो है वो फॉर्म होते हैं Now we talk about different method of the vegetative reproduction. First is cell division. It is commonly known as binary fission. The mother cell divide and daughter cells are produced, which become new plants in binary fission. This is very common in diatoms, Euglena, Cladophydomonas. Means. यूनिसेलुलर एलगी जो है उनके अंदर ये बहुत ही कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इन दिस प्रोसेस द यूनिसेलुलर एलगी सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म टू डॉटर सेल ईच इवेंचुअली ग्रो इन टू ए इनडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट मैथड इज फ्रेगमेंटेशन दिस मैथड इज वेरी कॉमन इन फिलामेंटस फॉर्म ऑफ द एलगी जैसे कि यूलोथ्रिक्स हैं ओडोगोनियम स्पाइरोरा जिग्निमा इसमें क्या होता है कि द थैलस ब्रेक इंटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन होता है और ईच फ्रेगमेंट नाव ग्रो इंटू ए न्यू एल्डी द फ्रेगमेंटेशन ऑफ फिलाेंट्स मे भी ड्यू टू एनी मैकेनिकल प्रोशर के कारण या फिर डिफरेंस इन टर्गर प्रेशर के कारण या फिर डिसोल्यूशन ऑफ ट्रांसवर्स वॉल के कारण जो है फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है नेक्स्ट इज हॉर्मोग फॉर्मेशन ये जो है मेथड ब्लू ग्रीन एलगी के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है इसमें अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो फिलामेंट होता है या जो ट्राइकोम होता है वो मोटाइल सेगमेंट्स के अंदर ब्रेकडाउन होता है और उन सेगमेंट्स को क्या कहते हैं हॉर्मोग द फॉर्मेशन ऑफ पेरेंट फिलामेंट इन टू हॉर्मोगिया मे बी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटर कैलरी हिटैरोसिस्ट इंटर कैलरी हिटेरोसिस्ट क्या होती है दीज आर स्पेशलाइज सेपरेशन डिस्क होती है और नेक्रीडिया और ड्यू टू डेथ और डीके ऑफ इंटर कैलरी सेल्स ऑफ ट्राईकॉम हॉर्मोगोन फॉर्मेशन जो है वो नोस्टोक ऑसिलेटोरिया और सिलेंड्रोस्पर्मम के अंदर बहुत ही कॉमन मेथड होता है नेक्स्ट इज हॉर्मोस्पोर या हॉर्मोसिस्ट फॉर्मेशन सच मल्टी स्पोर लाइक स्ट्रक्चर एज पेरिनेटिंग बॉडीज कॉल्ड हॉर्मोस्पोर और हॉर्मोसिस्ट हॉर्मोसिस्ट क्या होती हैं? मोटी भित्ती वाले हॉर्मोगोन्स होते हैं एंड दिस आर मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस इन ड्रायर कंडीशन यानी ये एलगी के अंदर एक पैरिनेटिंग मेथड होता है जिससे वो अनफेवरेबल कंडीशन में एलगी जो है स्वयं को बचा कर रखते हैं नेक्स्ट इज ट्यूबर फॉर्मेशन ट्यूबर क्या होते हैं फूड मटेरियल जो है उनके स्टोरेज से बनते हैं यूजुअली दीज बॉडीज़ आर राउंडेड फील्डेंस ऑफ स्टार्च ये ट्यूबर्स जो है वो मेन प्लांट से ब्रेकडाउन होकर नया प्लांट जो है फॉर्मेशन करते हैं ये कारा के अंदर काफी कॉमनली रूप से पाए जाते हैं क्लेडोफोरा के अंदर भी ट्यूबर फॉर्मेशन जो है वो पाया जाता है नेक्स्ट इज बाय एडवेंटेश सर्टेन स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस आर फॉर्म्ड विच हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द वेल नोन प्रोप्यूल ऑफ ब्रायोप्सिस, फैसिलरिया आर गुड एग्जाम्पल ऑफ थैलस। बल्बिल्स सम बर्ड लाइक स्ट्रक्चर यूजली विच डेवलप ऑन राइजोइड्स ऑफ कारा आर कॉल्ड बल्बिल्स बल्बिल क्या होते हैं कारा के अंदर कॉमनली पाए जाते हैं और राइजोइड्स जो होते हैं उनके ऊपर जो है बल्बिल नामक राउंड स्ट्रक्चर या बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ईच सच बल्बिल वैन डिटैच फ्रॉम इट्स मदर प्लांट फॉर्म ए न्यू प्लांट नेक्स्ट इज एक आईनीड जो है ये भी अनफेवरेबल कंडीशंस में फॉर्म होते हैं और इनकी वॉल भी थिक वॉल्ड होती है और ये ब्लू ग्रीन एलगी के अंदर बहुत ही कॉमन मेथड होता है लेकिन एक आइनीट जो है वो एक चेन के अंदर बनती है जो है चेन का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर जो है एक आइनीट का फॉर्मेशन होता है ईच एक आइनिट में डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन उडोगोनियम एंड Ulotrix. Next is adventitious branches. Adventitious branches are formed in some large thalloid form of algae. These branches, when get detached from the parent thallus, develop into a new plant. It is very common method of vegetative reproduction. Dictyota and uh, Fucus adventitious branch like Protonema. Formed on the internode of Kara. Thank you.